हेलो बच्चों, आज मैं तुम लोगों को थर्ड लेसन सदा मित्र की मदद करो का जो अंश बाकी रह गया था वो समझा रही हूँ। तो इसमें क्या था, सुनील नाम का जो लड़का नया नया स्कूल में आया था और मोहन नाम का जो लड़का था वो बहुत घमंडी था और उससे ज़्यादा बात नहीं करता था और उसकी मदद भी नहीं करता था। लेकिन जब यहाँ वार्षिक परीक्षा नज़दीक आया, सभी बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए थे और सबको उम्मीद था, सबको आशा थी कि हमेशा की तरह ये मोहन नाम का लड़का ही फर्स्ट आएगा। लेकिन क्या हुआ, परीक्षा के कुछ दिन पहले ही मोहन नाम का लड़का बीमार पड़ गया। उसे तेज बुखार हो गया, डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा और डॉक्टर ने उसे देखा तो उसे कुछ दिनों के लिए आराम करने को कहा। तो इसलिए वो मोहन एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर पा रहा था और दूसरे सब बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए थे। तभी मोहन ने कक्षा के सभी छात्रों से मदद मांगी, हेल्प मांगा उसने, क्योंकि उन्हें भी परीक्षा देना है तो हेल्प मांगी, और ताकि वो घर बैठे ही पूरी परीक्षा की तैयारी कर सके। लेकिन बाकी सारे बच्चे क्या थे, मोहन से नाराज़ थे उसके व्यवहार के कारण। बाकी सब बच्चे मतलब उसकी हेल्प नहीं करना चाहते थे। लेकिन जो नया नया लड़का आया था, कौन आया था, सुनील। तो ये सुनील नाम का जो लड़का था उसने निश्चय किया, उसने डिसीजन लिया कि वो मोहन की मदद करेगा, अपने मित्र की क्लासमेट की मदद करेगा। तो वो उसके घर गया, मोहन के घर गया है। लेकिन जब मोहन के घर गया, मोहन ने उसे अपने घर में देखा, सुनील को देखा, तो वो आश्चर्यचकित रह गए, हैरान हो गए, अपने बाप ये सुनील मेरे घर में आया है, ऐसे वो आश्चर्यचकित हो गया। तो दोनों ने मोहन को उसने मदद की और दोनों ने एक साथ पढ़ाई किया, एक साथ एग्जाम की तैयारी की। पूरा दिन वो उसके घर में बिताता था, साथ साथ पढ़ता था, लिखता था और धीरे धीरे मोहन ठीक भी हो गया और उनकी परीक्षा आ गई। तो परीक्षा देने से दोनों की परीक्षा अच्छा भी हो गया, दोनों का रिजल्ट भी अच्छा आया, परीक्षा परिणाम खुशी हुआ, मतलब उन दोनों का रिजल्ट दिया गया। तब सब लोग आश्चर्यचकित रह गए क्योंकि दोनों का रिजल्ट जो था एक जैसा था, एकदम एक जैसा, दोनों को सेम परसेंटेज मिला था, मतलब दोनों का एक जैसा मार्क मिला था। तो दोनों ही प्रथम आए थे। मोहन ने सुनील को धन्यवाद किया और उससे माफ़ी भी मांगी क्योंकि उसने शुरू में उसकी मदद नहीं की थी। अब आज उसकी मदद सुनील ने कर दी, इसलिए मोहन ने उससे माफ़ी मांगी और धन्यवाद किया और उसे समझ में आ गया कि सबकी सहायता करनी चाहिए, सदा मित्र की मदद करनी चाहिए, जो लेसन का टाइटल है ना। और यहाँ पे ये दोनों देखो, मोहन और सुनील दोनों एक साथ पढ़ाई कर रहे थे, दोनों का रिजल्ट भी अच्छा आया, दोनों को एक जैसा मार्क्स मिला और इसी से मोहन को सबक मिला कि सदा मित्र की मदद करनी चाहिए। तो समझ में आ गया बच्चों, अभी तुम लोग रीडिंग करो और ये ध्यान से देखो, ये सदा मित्र की मदद करो पाठ, तो तुमको समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू।